है डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ऑब्स्टेट्रिक का है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या है, जिसमें कि यूट्रस में इम्ब्रियो और फीटस जो डेवलप होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी टोटल जो होती है वह 40 वीक का होता है, जिसको हम जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं। LMP से लिया जाता है, और फर्टिलाइजेशन से लेते हैं अगर, या ओवुलेटरी फेज को लेके चलेंगे अगर, या फर्टिलाइजेशन पीरियड से चलते हैं, तो 38 वीक का होता है। तो इस पूरे प्रेगनेंसी को हम कैसे पता लगाएंगे, किस मंथ की प्रेगनेंसी है, किस वह ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तो इसी को पता लगाने को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि वह प्रेगनेंसी किस मंथ का है, किस वीक का है, इसको पता लगाने को हम लोग बोलते हैं, प्लस प्रेगनेंट है कि नहीं है, ये सारी पता लगाने को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि तो किस वीक में वह अभी वह फिटस है, कितना अभी उसके बॉडी में अभी कितना चेंजेज आ रही है, ये सारे कंडीशन को पता लगाने को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अभी डायग्नोसिस करने का तरीका क्या होता है, तो डायग्नोसिस करने का टोटल चार तरीका है, यहाँ पे टोटल चार मेथड है। एक जो बोलते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीजम्पटिव कहते हैं, प्रीजम्पटिव है ना। प्रीजम्पटिव का मतलब क्या होता है, प्रीजम्पटिव का मतलब कि जो पेशेंट उसको बोलता है, प्रीजम्पटिव यानी इस चीज को पेशेंट बोलता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव कह सकते हैं, सब्जेक्टिव, या इसी को बोलते हैं सिम्टम कहते हैं, सिम्टम। तो आप कहेंगे तो सिर्फ सिम्टम क्यों नहीं बोले हो, तो जल्दी देखिए क्यों, कि प्रेगनेंसी एक कोई डिजीज नहीं है, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसलिए इसको हम कभी भी सिम्टम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इसको हम प्रिजम्पटिव कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि डिजीज मलेरिया थोड़ी है कि हम बोलेंगे कौन कौन सिम्टम आ रही है, या कौन कौन सिम्टम, टाइफाइड तो है नहीं कि हम सिम्टम पूछते हैं। ये तो एक तो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें यह भी कंफर्म नहीं हुआ अपने से भी है कंफर्म कि उसके यूट्रस में फिटस ग्रो कर रहा है, ये इम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ये भी कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म होती है बाद में कंफर्म होती है कि हाँ बच्चा ग्रो करा है कब, वो भी लगभग 8 वीक गुजर जाता है, तब 8 वीक से पहले तो कुछ पता नहीं चलता है उसे कि क्या नहीं है। जैसे नॉर्मल आप जानते होंगे कि नॉर्मल होता है LMP जहां से होती है, यहां से गेस्टेशनल पीरियड स्टार्ट करते हैं, 1 वीक तो कुछ नहीं होता है, दूसरे वीक में जाके ओवुलेशन होता है, उसका तीसरे वीक में जाके इम्प्लांटेशन होता है, चौथे वीक खत्म जब होता है, जब सस्पेक्टेड मेंस्ट्रुएशन जो आने वाला होता है, जब नहीं आता तब उसका एक वीक और गुजर जाता है पांचवें वीक, यानी कि 4 वीक में तो पता कुछ नहीं चला, पांचवें वीक में जब उसका जब पता चला कि नहीं मेंस्ट्रुएशन आती है, तब जाके पांचवें वीक में जाके उसको पता चलता है कि कुछ हो सकता है, तो आपके पास छठे वीक पहुंचता है। यानी किसी डॉक्टर के पास कब पहुंचता है, वो 6 वीक पहुंचता है, उसमें तो पहुंचता नहीं है, तो उसी समय से हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, तब पेशेंट उसको फीलिंग करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव कहते हैं, या फिर इसको हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरे नंबर पे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, इसको साइन कहते हैं, है ना, साइन। यानी कि एक तरीका यह होता है एक सिम्टम से, और दूसरा साइन से, तीसरा तरीका होता है लैब से, और चौथा तरीका होता है रेडियोलॉजी से, रेडियोलॉजी से। तो रेडियोलॉजी में लेबोरेटरी में तो देख लेंगे क्या क्या होती है, रेडियोलॉजी में क्या होते हैं, फिटल बेल भी होती है, या फिर स्टेथोस्कोप से जांच करके देखते हैं। यही चार तरीका होता है प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने का। आइए पूरे हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में हम लोग प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं। पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिया गया है कब से, LMP से लेकर के 12 वीक तक को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या होती है सिम्टम पर देख लेते हैं। पहला सिम्टम एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या होती है, एमेनोरिया मतलब कि मेंस तो आएगा नहीं, तो चलिए पहला तो गया एमेनोरिया। नंबर 2 मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस में किसको बोलते हैं, कि वैसा अब कुछ एबनॉर्मलिटी जो मॉर्निंग में ही दिखाई देता है। कौन कौन से सिम्टम को बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, पहला माइल्ड वर्टिगो, सलाइवेशन, नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, इतना सिम्टम को बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि HCG का लेवल जो होता है सुबह में ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। क्यों, क्योंकि रात में यूरिन के नहीं बनने के कारण ब्लड में HCG का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि मॉर्निंग में दिखाई देता है। यह सिम्टम कब,
एमिनोरिया का सिम्टम कब से कब तक रहेगा, जब से पता चला उस समय से लेके और डिलीवरी तक। दूसरा क्या हुई थी, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस कब से मिलता है, ये छठे वीक से मिलना स्टार्ट हो जाता है और जनरली 14 वीक तक रहता है ये मॉर्निंग सिकनेस। तो ज़्यादा जो होती है वह 9वें 10वें वीक में इसका लेवल हाई रहता है, तो 9वें वीक में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं नंबर थर्ड में, थोड़ी सी क्या होती है कि माइल्ड वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटल साइन कहते हैं। प्लासेंटल साइन मतलब कि माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, ये साइन भी है और एक सिम्टम भी है, मरीज बोलती है इस बात को, इसको प्लासेंटल सिम्टम या प्लासेंटल साइन बोलते हैं। क्योंकि जिस समय उस डिसुडुआ पेराइटली जो होती है, जब वो बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ जब सेपरेट होती है सेंट्रली से, तो वहाँ पर माइल्ड ब्लीडिंग देखने को कभी कभी मिल जाता है किसी किसी में, इसको प्लासेंटा साइन बोलते हैं। और ये 12 सप्ताह तक रहता है, यानी कि 4 सप्ताह से लेकर के और 12 सप्ताह तक ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये हो गया मेरा क्या सिम्टम हो जाता है। अगला सिम्टम क्या होता है इसमें, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को उसमें, और प्लस टेंडरनेस महसूस होती है। बाकी यहाँ पर कोई सिम्टम यहाँ पर ऐसे नहीं मिलता यहाँ पर। तो मरीज में यहाँ पर क्या क्या सिम्टम देखने को मिला, मॉर्निंग सिकनेस मिला और ब्रेस्ट सिम्टम मिला, ब्रेस्ट में टेंडरनेस मिलता है वहाँ पर, सेंसेशन और प्लस एमिनोरिया मिलता है। ये तो हो गया सिम्टम। अब बात आते हैं साइन की, तो साइन में क्या हम देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं या फिर उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या क्या हम देख सकते हैं, तो सबसे पहला साइन में क्या होता है कि जो भेजाइदा का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। क्यों ब्लू हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर होने का मेन रीजन होता है कि जो वहाँ पर भेजाइना में वेनस कंजेशन होता है, तो वेनस कंजेशन होने के कारण जो होती है वहाँ ब्लू दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैकबर साइन बोलते हैं हम लोग। एक होता है जो जैकबर साइन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में भी क्या होता है, ब्लूइश कलरेशन होती है। तो वो क्यों होता है, वहाँ पे वहाँ भी वेनस कंजेशन होने के कारण होती है वहाँ पर ब्लूइश कलरेशन देखने को मिलता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। नंबर थ्री क्या होती है ना, कि वजाइना में क्या होती है, वजाइना में जो वजाइनल फोर्निक्स होती है, जहाँ पर यहाँ पर होता है सर्कुलर ये एक सर्कुलर आर्टरी होती है वहाँ पर, और जो आर्टरी होती है स्पाइरल आर्टरी में क्या होता है कि वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के समय। जैसे यहाँ पर क्या बोले कि जो जैकबियर साइन बोले क्या बोले थे, ये जल्दी 6-8 वीक्स में अपीयर हो जाता है। चैडविक साइन जो होती है वो अभी 6-6 वीक में जल्दी अपीयर हो जाती है। और यहाँ पर जो जो ब्लड वेसल्स में जो स्पाइरल आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण वहाँ पल्सेशन होने लगती है, इसको हम लोग बोलते हैं ओसिएंडर साइन बोलते हैं, जिसमें कि पल्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ओसिएंडर साइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि अगला जो होता है यूट्रस जो सर्विक्स जो होती है वो नॉर्मल में हार्ड कंसिस्टेंसी होती है, छूने में बहुत हार्ड होता है, लेकिन क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, जो कि ये 8 वीक होते होते ये कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाता है। ये तो 6वें वीक से देखेंगे तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, 8वें वीक में कम्प्लीटली सॉफ्ट होने डिलीवरी तक ऐसा ही मिलती है। वह क्यों मिलती है, ये प्रोजेस्टेरॉन और एसटीजी हार्मोन के कारण जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ये जो सॉफ्टनिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं लोग पामर साइन बोलते हैं इसको हम लोग। इसके बाद जो अगला आता है इसमें कि जो यूट्रस का जो बॉडी होती है वह बॉडी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। तो यूट्रस की बॉडी को जो फिलिंग करेंगे ऊपर से जो लोअर सेगमेंट में देखते हैं तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट मिलती है। इसको जो होता है वो क्यों होती है, ड्यू टू मसल्स यहाँ पर जो मायोमेट्रियम होती है वो इसमें कंटेक्ट ये रिलैक्स हो जाती है, इसके कारण भी वहाँ पर सॉफ्ट दिखाई देती है, इसको हम लोग हेगार साइन बोलते हैं इसको। इसके बाद एक और साइन होती है जिसमें कि यूट्राइन साइन बोलते हैं उसको, पाइस्टियन साइन बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है कि यूट्रस का जो शेप होता है वह पहले क्रिकेट की तरह बॉल की तरह होता है और बाद में वो राउंड हो जाता है, जो कि 12 सप्ताह होते होती है कम्प्लीटली राउंड डेवलप हो जाती है। इस तरह से ये साइन जो होता है यूट्रस में मिलता है, सर्विक्स में मिलता है। इसके बाद तीसरा होता है फंडल हाइट, तो 12 वीक से पहले क्या होता है कि फंडल हाइट जो होती है वो मॉस प्यूबिस पे टच होती है, मॉस प्यूबिस पे टच करती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। अगला साइन देखते हैं ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो एरियोला और जो निप्पल होता है वो डार्क हो जाता है और वहाँ पर मोंटगोमरी वहाँ पर ट्यूबरकल मिलता है वहाँ पे, तो मोंटगोमरी ट्यूबरकल वहाँ पर डेवलप हो जाता है वहाँ पे, वह जर्नली जो होता है 12 वीक में जर्नली क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा परमानेंट हो जाता है, लेकिन शुरू से ही वह 9-10 वीक में जो होती है ट्यूबरकल वहाँ पर अपीयर हो जाती है, टेंडरनेस तो पहले से मिलता हुआ ये साइन जो होता है वहाँ पर जाता है। नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम लोग कि बीटा एसीजी का जांच कराते हैं, तो बीटा एसीजी का जांच कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगी। अगर ब्लड से जांच कराएंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगी, यूरिन से जांच कराएंगे
तभी पॉजिटिव मिलेगी। यूरिन से दो दो तरह से जांच करते हैं हम लोग यूरिन से एससीजी का। एक होता है ग्रेविंडेक्स मेथड, ग्रेविंडेक्स मेथड इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट ग्रेविंडेक्स मेथड को बोलते हैं। ये आपका आया पॉजिटिव। दूसरा आता है रैपिड कार्ड टेस्ट, रैपिड कार्ड टेस्ट जो होती है ये आएगी पॉजिटिव आएगी। नंबर थ्री रेडियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल में क्या करते हैं हम लोग कहते हैं वायबिलिटी फीटल बेल बीइंग, वायबिलिटी FWB जो 8 वीक में कराते हैं। ये क्यों कराते हैं वायबिलिटी फीटल बेल बीइंग, इससे जो होता है इब्रियो का साइज और हम लोग इम्प्लांटेशन के साइट को देखते हैं। ये हम लोग करा लेते हैं हम लोग ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट में। और एक जो तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम लोग हार्ट बीट को देख लेते हैं हम लोग और हार्ट बीट को पता लगा लेते हैं हम लोग। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का डायग्नोसिस। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एमिनोरिया तो कंटिन्यू रहेगी, वह तो मिलेगा ही उसमें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो जो फीटस होता है, फीटस क्विकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो कि 16 वीक से ये क्विकनिंग जो होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और फीटस में क्या होता है तैरने लगता है, तो जो क्विकनिंग साइन बोलते हैं क्विकनिंग साइन तो कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है 16 वीक से। और दूसरा होता है ब्लोटिंग साइन, ब्लोटिंग साइन में क्या होता है बच्चा तैरने लगता है उसमें, और ये भी उसको फीलिंग होता है। हालांकि ब्लोटिंग साइन अनुभव भी करते हैं और ब्लोटिंग जो होता है मदर भी उस चीज़ को फीलिंग करती है, बताती है उस चीज़ को। थर्ड जो है सिम्टम मिलता है इसमें पेशेंट को कि जो ये कंस्टिपेशन पेशेंट को कंटिन्यू हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक चीज होती है ना कि यूरिन का अर्जिंग थोड़ा सा रहता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी और अर्जिंग ज्यादा मिलती है, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में यूरिन वगैरह अर्जिंग होती है नॉर्मल हो जाती है, इससे ज्यादा कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, साइन में क्या होता है इस पेशेंट का कि साइन थोड़ा ज्यादा मिलता है। साइन में क्या बोलेंगे, एक साइन तो हो गया ब्लोटिंग साइन मिलता है, दूसरा साइन जो होता है वह लिनिया नाइग्रा मिलता है, जो कि आपको फिजियोलॉजिकल चेंज में देखे होंगे प्रेगनेंसी में। तीसरा होता है एस्ट्रिया ग्रेविडेरा मिलता है वहां पे। चौथा क्लोजमा मिलता है फेस पर। इसके बाद जो सेकंड एरियोला, एरियोला में जो होता है सेकंड एरियोला वहाँ पर डेवलप हो जाता है, सेकंड एरियोला वहाँ पर ब्रेस्ट में अपीयर हो जाती है। ये था अभी वहाँ पर सेकंड प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर का हम लोग साइन देख लेते हैं। अब आते हैं लव डायग्नोसिस। लव डायग्नोसिस कंटिन्यू वही होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करा के देख सकते हैं, लेकिन तो कंटिन्यू है कोई फायदा नहीं होती है। अगला होता है फीटल बेल बीइंग। इसमें दो तरह का फीटल बेल बीइंग होता है, एक होता है नुकल FWB, नुकल नुकल फीटल बेल बीइंग, ये कराते हैं 13 सप्ताह पे, 13 वीक पे कराते हैं नुकल फीटल बेल बीइंग। इसमें क्या होती है कि जो जो फीटस होती है उसके क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी को इसमें देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो रही है, इससे हम लोग पता करा लेते हैं फीटल बेल बीइंग से। दूसरा कराते हैं हम लोग फीटल एनोमलीज फीटल बेल बीइंग, या फीटल एनाटोमी बोलते हैं, या डबल लाइन FWB बोलते हैं। ये कराते हैं कब, 20वें सप्ताह में कराते हैं। इसमें हम लोग बच्चा के अंदर कोई भी ऑर्गन कैसा डेवलप हो रही है इसको पता लगा लेते हैं हम लोग। फीमर का लेंथ देखते हैं, उसका फीटस का हाइट देख लेते हैं, फीटस का वेट देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट, अम्बिलिकल कॉर्ड, सबको हम लोग वहाँ पर देख लेते हैं, प्लासेंटा, प्लासेंटा का पोजिशन, ग्रेड, ऑल एग्जामिनेशन डेवलप बाय फीटल नुकल फीटल बेल फीटल एनामोलीज FWB। इसमें करा देते हैं डबल लाइन फीटल बेल में कराते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होती है, जो फीटस का साइज बड़ा हो जाता है, इसमें हार्ट जो फीटस का मूवमेंट जो होती है महसूस करता है, महसूस करती है फीलिंग। दूसरा इसमें जो सिम्टम जो मिलेगा एमोरिया कंटिन्यू रहेगी इस कंडीशन में। जो यूरिन है यूरिन फ्रीक्वेंसी अब बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अब क्या होता है यूटर ज़्यादा इलाज किया जाता है। जो पैर में ओडिमा देखने को मिलता है, जो भेन होता है वो प्रोमिनेंट कर जाता है, और प्लस जो जो थ्रस्ट है थ्रस्ट इस कंडीशन में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है। तो ये सब कुछ ऐसा सिम्टम होता है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो देखने को मिलता है। साइन में, साइन में क्या देखेंगे, फीटल हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं आसानी से, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद ब्लोटिंग साइन मिलता ही है इसमें। उसके बाद जो पेल्विक है, पेल्विक साइज इसमें इलाज करेंगे, फीटल का जो इसका जो साइज है उसको एंटीनेटल कैमोलॉजी करेंगे। तो ये सब जो होता है ब्लोटिंग साइन वगैरह हम लोग पेशेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर इसका लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं है। अगला होता है इसमें फीटल रेडियोलॉजिकल। रेडियोलॉजिकल में हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं हम लोग डॉपलर फीटल बेल बीइंग कराते हैं, जो कि 32 वीक में कराते हैं। और इससे क्या होता है कि फीटस के वेट और ग्रोथ को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कम रहता है तो क्या करते हैं, दवा दे करके या किसी और मेजरमेंट करके उसके वेट को बढ़ाते हैं। तो यह था उसका थर्ड ट्राइमेस्टर का डायग्नोसिस। तो इस तरह से क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग अलग चेंजेस होते हैं।
तो मदर में जहां से चेंजेस देख लिए, कहां का चेंज देखते हैं, वेजाइनल चेंजेस देख लेते हैं, सर्विस का चेंज देख लेते हैं, फंडल हाइट, फंडल हाइट में थोड़ा सा छूट गया था वहां पे कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो फंडस होती है वो धीरे धीरे क्या होती है 24 वीक में क्या होता है कि अम्बिलिकल को टच कर जाता है, 32 वीक में क्या होता है कि जिफाइड प्रोसेस को टच करता है, याद रखेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है फंडल हाइट जो होता है बढ़ता चला जाता है। तो उसी तरह से होता है ना कि यूट्रस का पोजिशन, यूट्रस का शेप, फिर उसका सर्विस का पोजिशन, सर्विस का कलर, सर्विस का कंसिस्टेंसी, ब्रेस्ट का कलर, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, और इसको हम लोग अपने ऐसे भी देख सकते हैं और स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं और प्लस हम लोग फिटल बेल भी करा के देख लेते हैं। तो ऑल इन ऑल लेकर बात चलेंगे हम लोग, प्रेगनेंसी में पूरी बात चलेंगे ऑल इन ऑल कैसे पता लगाते हैं। तो जैसे ही मेंस अगर नहीं आया उसके बाद से हम लोग लेबोरेटरी जाँच करा के देख लेते हैं वो, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग हर महीने वेजाइनल एग्जामिनेशन करके या फिर अब्डोमेन के एग्जामिनेशन करके स्टेथोस्कोप से और फिटल बैंक से, मेथड यही होती है। अलग से भी कर सकते हो हर मंथ ट्राइमेस्टर वाइज, या आप एक साथ भी देख सकते हो आप जब आपको जब जिस समय आपको फिटस को एग्जामिनेशन करना है, मदर का एग्जामिनेशन करना है, एंटीनेटल केयर के अनुसार से आप उस बेसिस से भी आप इसको डायग्नोसिस कर देख सकते हैं। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।